सो लेट्स सी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सो आज बलराम जी का बर्थडे और ऑफ कोर्स रक्षाबंधन भी है. नहीं, वैसे रक्षाबंधन भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल ही है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वृंदावन में राधा कृष्णा और ब्रजवासी भी रक्षाबंधन मनाते हैं सब लोग. मतलब ये फेस्टिवल एटलीस्ट 5000 साल पुराना है. ऐसा नहीं है कि वो रानी लक्ष्मीबाई या जो भी है, कौन थी वो, उन्होंने शुरू किया, ऐसा कहते हैं नहीं, मगर ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था सुबह की, रक्षाबंधन भाई बहन के लिए नहीं होता सिर्फ, वो तो अभी प्रथा चली है, वो तो बेकार है. रक्षाबंधन कोई भी किसी को बांध सकता है, इवन वाइफ हस्बैंड को बांध सकती है. वो बंधन ये है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि आप मेरी रक्षा करेंगे. और हस्बैंड भी वाइफ को बांध सकता है, यू शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट मी. दो फ्रेंड्स कुछ भी, और भगवान को भी बांध सकते हो रक्षाबंधन, ऐसा भी होता है. सो आज रक्षाबंधन है, तो इट्स एक फेस्टिवल तो ये है. श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को राखी बांधी थी कि आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा कीजिए. नहीं, सो एक तो यह है, और दूसरा जो फेस्टिवल है वो है बलराम पूर्णिमा. मतलब बलराम जयंती कहते हैं. नहीं, मतलब बलराम जी का बर्थडे है. सो श्रावण के महीने की पूर्णिमा है जिसमें बलराम जी का जन्म हुआ. और बलराम जी भगवान, मतलब जन्माष्टमी 8 दिन बाद है. तो बलराम जी टेक्निकली भगवान कृष्ण से 1 साल 8 दिन बड़े हो गए. 8 दिन बड़े नहीं है, 1 साल, क्योंकि 1 साल पहले पैदा हुए थे, पहले प्रकट हुए. और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से 1 साल छोटी है. That's how it goes, approximately. So, बलराम जी कौन है और बलराम जी की हम पूजा क्यों कर रहे हैं, ये दो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट. क्या बलराम जी कृष्ण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या बलराम जी राधा रानी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और अगर है तो क्यों है? तो ये सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि इसको समझें, क्योंकि बलराम जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हम लोगों के लिए जो साधक है. सो पहले, ओके, पहला क्वेश्चन है बलराम जी कौन है. लेट्स डील अबाउट दैट. सो कौन है बलराम जी? अगर आप ध्यान से सोचो तो पहले से कई आंसर हो सकते हैं, मगर तत्व की दृष्टि से, फिलोसॉफिकली अगर आंसर करना चाहें बलराम जी कौन है, तत्व की दृष्टि से, तत्व समझते हैं आप लोग, तत्व मतलब होता है सिद्धांत. सिद्धांत की दृष्टि से बलराम जी कौन है? बलराम जी भगवान की शक्ति है. जैसे आपने विष्णु पुराण में पढ़ा होगा कि पराशय शक्ति विधेय श्रुवते ज्ञान बल क्रियश्चैव स्वाभाविकी चैव. प्रभुपाद कोट कर रहे हैं तैतृय उपनिषद से, यशोदाचार्य उपनिषद से, कि भगवान पराशय शक्ति विधेय श्रुवते, कि भगवान कृष्ण की करोड़ों शक्तियां हैं, मगर उन सारी शक्तियों को हम समझ नहीं सकते. और कुछ शक्तियां भगवान बता भी देंगे तब भी समझ नहीं आएगी हमें, और कुछ शक्तियां भगवान की ऐसी है कि अगर बता देंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि उसको हैंडल नहीं कर सकती. भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से लिख रहे हैं अपने एक आर्टिकल में. भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा जगन्नाथ जी पे, जगन्नाथ मंदिर पर, कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है. तो उसमें वो लिख रहे हैं कि ह्यूमंस बहुत लिमिटेड है, हम लोग बहुत लिमिटेड है.
इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता, और समझने की कोशिश भी करेगा तो अगर समझने की कोशिश करता है तो वो निश्चित ही पागल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। भगवान खुद भी अपने आप को नहीं बता सकते पूरी तरह। सो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, मगर उनमें से तीन शक्तियां जो हमें समझ आ सकती है वो भगवान ने हमें बता दी है, और जो ऑलमोस्ट मेन शक्ति है, तो वो तीन शक्तियां क्या? ज्ञान, बल और क्रिया। समझ गए? ज्ञान, बल, क्रिया। तो ज्ञान शक्ति वो होती है, उसको टेक्निकली कहते हैं संवित शक्ति, संवित, अगर फिलोसफिकल भाषा में पूछो। और क्रिया शक्ति होती है हलादिनी शक्ति। और तो जो संवित शक्ति है उसका प्रतीक कौन है? उसका प्रतीक है योग माया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो ज्ञान देती है। अब जो आध्यात्मिक जगत आप जाओगे ना, मुझे बताओ कि कृष्ण भगवान को पता है कि वो कृष्ण है या नहीं? क्या कहते हैं? पता है या नहीं पता है? क्या उनको पता है कि वो भगवान है? पता है, ऑफ कोर्स पता है। बट और क्या उनको पता है क्या कृष्ण भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं? वो भी है नहीं। तो ये जो भगवान का ज्ञान है कि मैं कौन हूं और संसार के हर कोने कोने में क्या चल रहा है, जो भगवान की सर्वज्ञता है, वो कहां से आ रही है? वो योग माया से आ रही है, संवित शक्ति। भगवान की अपनी शक्ति है जिसको इस्तेमाल करके भगवान अपने आप को भी समझते हैं और इस संसार को भी समझ लाते हैं। उसको कहते हैं संवित, उसको कहते हैं ज्ञान शक्ति भगवान की। उस ज्ञान शक्ति से भगवान सर्वज्ञ है और वो स्वाभाविक है। भगवान के लिए बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब है कि भगवान ने ज्ञान कहीं से लिया नहीं है। ऐसा नहीं कि तपस्या करके कमा लिया या पढ़ के ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर पहले से ही है। भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान भगवान है। हम कुछ भी नहीं जानते और हम बस फर्क ये। सो इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति या संवित शक्ति या योग माया। दूसरी शक्ति है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति मतलब काम करने की शक्ति। जो भी भगवान काम कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक जगत में भगवान के भक्त जैसे राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा माँ, भगवान के सखा, जो भी उनसे बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या अध्यात्म गोलोक में पक्षियां भी हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उस सब के पीछे क्रिया शक्ति है। क्रिया मतलब काम। और उस क्रिया शक्ति को टेक्निकली बोलते हैं हलादिनी शक्ति। हलादिनी शक्ति मतलब जो आनंद देती है। हलाद मतलब आनंद। और इस हलादिनी शक्ति का प्रतीक कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो उसको कहते हैं प्रेम। जो भी कुछ हो रहा है आध्यात्मिक जगत में, जो भी क्रिया है, उसके पीछे क्या है? प्रेम है। अगर यशोदा माँ कृष्ण से कुछ को डांट रही है तो उसके पीछे क्या है? प्रेम से डांट रही है। भगवान के सखा भगवान के साथ खेल रहे हैं तो उसके पीछे क्या है? प्रेम है। भगवान की गाय भगवान के साथ घूम रही है तो क्यों घूम रही है? प्रेम है। तो एक भक्त सारी क्रियाओं के पीछे प्रेम को देखता है। और प्रेम कहाँ से आ रहा है? वो हलादिनी शक्ति से, श्रीमती राधा रानी से आ रहा है। और पूरा आध्यात्मिक जगत चलता जा रहा है, चलता रहा है। ये संसार भी किस पे टिका हुआ है? एक प्रेम पे तो टिका हुआ है। वो प्रेम ही तो है हमें लोगों से, जिससे हम काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हस्बैंड को वाइफ से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है तो पूरे टाइम लगा रहता है। किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसके पीछे लग गया। किसी को ज्ञान से प्रेम है तो साइंटिस्ट बना पड़ा है। किसी को पैसे से प्रेम है, बिजनेसमैन पड़ा पड़ा है। सबको अपने आप से प्रेम है, इसलिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम मरे ना। सब कुछ जो क्रिया हो रही है वो प्रेम पे टिकी हुई है। तो वो ही हलादिनी शक्ति की एक बूंद इस संसार में जब गिरती है तो वो बूंद जो है वो इस पूरे संसार को भगाती रहती है। संसार से प्रेम है तभी तो पड़े हुए हम यहाँ।
भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, वो प्रेम कहाँ से आ रहा है? वो प्रेम हलादिनी शक्ति से आ रहा है। श्रीमती राधा रानी के जो हृदय में प्रेम है, उसकी एक बूंद की बूंद की बूंद की बूंद की बूंद की बूंद जब राधा रानी संसार में डाल देती हैं, और वो भी जब बूंद की बूंद की बूंद की बूंद जब वो क्या कहते हैं, वो पॉवर्टेड हो जाती है, वो भी प्योर नहीं है, इम्प्योर हो जाती है। हरे कृष्ण। तो जब वो इम्प्योर हो जाती है तो उसको, वो इस संसार को चलाती है, उसको बोलते हैं काम वासना। तो दूसरी शक्ति हलादिनी शक्ति है, संवेद, और तीसरी शक्ति है बला शक्ति, जो कि बलराम जी हैं। तो बला शक्ति क्या करती है? बला शक्ति नाम से पता लगेगा आपको, क्या है? बल देती है। नहीं, बल देती है। सो बल देती का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ है नी। तो स्ट्रेंथ क्या है? मतलब सबको एक फॉर्म देती है, फॉर्म। बलराम जी सबको एक रूप देते हैं, है नी। अब आप कच्ची मिट्टी लो, कच्ची मिट्टी को आप उठाओ तो गिर जाएगी, है नी। गीली कच्ची मिट्टी आप उठाओगे गिर जाएगी, उसमें बल नहीं है ना। फिर उस कच्ची मिट्टी को आप कुम्हार को दो, कुम्हार उसको आग लगाएगा, सुखाएगा, फिर घड़ा बना देगा, तो उसमें बल आ गया, है नी। उस बल से क्या आ गया? रूप आ गया, उसको रूप आ गया तो घड़ा बन गया, अब आप उठा सकते हो। तो ये शरीर भी एक घड़ा ही है। इस संसार में जो भी रूप है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, नाम और रूप, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान का रूप है, सारे भक्तों का एक रूप है नहीं है। वो रूप कहां से आ रहा है? वो बलराम जी से आ रहा है। बलराम जी सबको रूप देते हैं। बल मतलब जोड़ना, सबको जोड़ के रखते हैं। तो जोड़ के रखोगे तो रूप आएगा, वरना बिखर जाएगी चीजें, और क्या होगा। इस संसार में जो भी आप रूप देख रहे हो, वो भी बलराम जी की शक्ति है। बलराम जी इस संसार में गुरुत्वाकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं। सब कुछ गुरुत्वाकर्षण से तो टिका हुआ है नहीं, वरना बिखर जाएगा सब कुछ। तो बलराम जी काम है रूप देना। कृष्ण भगवान का जो रूप है वो बलराम जी से आया है। और यू सेम ऑफ दैट, कृष्ण भगवान का जो रूप देख रहे हो ना, श्याम सुंदर रूप, वो कहां से आया है? बलराम जी। कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है वो कहां से आया है? वो संवित योग माया। कृष्ण भगवान में जो आनंद अनुभव करते हैं वो कहां से आया है? वो हलादिनी श्रीमती राधा रानी। तो ये सारी शक्तियां भगवान की इस तरह सेवा करती हैं। तो टेक्निकली अगर फिलोसफिकली बात करें तो बलराम जी बला शक्ति हैं, या उसको अगर आप कोई संस्कृत नाम देना चाहते हो तो उसको बोलते हैं संधिनी शक्ति। संधिनी मतलब क्या होता है? संधि, जोड़ना, है नी, हर चीज को जोड़ती है। That's how it goes. So, बलराम जी सबको जोड़ के रखते हैं, सबके रूप को जोड़ के रखते हैं, एक समझ रहे हो। और भगवान बलराम जी अपने भक्त और भगवान को भी जोड़ के रखते हैं। उनका काम है जोड़ना। इस संसार में सारे प्लैनेट्स को जोड़ के रखते हैं, कैसे? गुरुत्वाकर्षण से, है नी, समझ गया नी, ग्रेविटी से। और इस संसार में भक्त को भगवान से जोड़ के रखते हैं कृपा के द्वारा। बलराम जी बल देते हैं, बल मतलब कृपा, कृपा बल। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा कि बलराम जी का फंक्शन क्या है, वो मैं बात करूंगा। बट बलराम जी कौन है, समझ गए नहीं समझ गए? बलराम जी बला शक्ति हैं या संधिनी शक्ति हैं, ये समझ लो। ओके, फिलोसफिकल दृष्टि से बलराम जी ये हैं, तत्व की दृष्टि से। लीला की दृष्टि से कौन है बलराम जी? लीला में क्या है बलराम जी? अब आप लीला की बात करो तो बलराम जी कौन है? लीला की बात करो तो रामलीला में बलराम जी कौन थे? लक्ष्मण छोटे भाई। और कृष्ण लीला में बलराम जी बड़े भाई हैं। तो बलराम जी एक्चुअली सिर्फ बड़े भाई नहीं है कृष्ण के। अगर लीला की बात करें तो बलराम जी भगवान के बड़े भाई हैं, और साथ साथ एज अ पेरेंट भी हैं। बड़े भाई जनरली पेरेंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं ना। मतलब यशोदा माँ, मतलब रोहिणी माँ बलराम जी के मदर कौन है? रोहिणी। तो रोहिणी माँ हमेशा बलराम जी से बलराम जी से कहती थी कि देखो, जब 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 तुम लोग गाय चराने जाओगे तो कृष्ण का जरूर ख्याल रखना, कि तुम ही पिता हो वहाँ पर उनके। तो बलराम जी एक पेरेंट की तरह भी एक्ट करते थे। तो लीला में बलराम जी इस तरह से उनके बड़े भाई हैं। बलराम जी लीला में वैसे तो समझ लो सिर्फ बड़े भाई नहीं है, रक्षक भी हैं।
रक्षा भी करते हैं हमेशा कृष्ण की। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्वारका में जब कृष्णा गए तो बलराम जी भी थे वहाँ, तो बलराम जी वहाँ पर, आपको पता है एक बार जब एक्चुअली रुक्मणी विवाह हुआ था, तो जब रुक्मणी जी का विवाह अनाउंस हुआ तो रुक्मणी जी ने कृष्णा को लेटर लिखा कि भाई मैं तो आपसे शादी करूँगी और किसी से शादी नहीं करना चाहती मैं। मैं कहा रुक्मणी जी के जो फादर हैं वो रुक्मणी की, या स्पेशली जो भाई है रुक्मी, वो रुक्मी रुक्मणी की शादी शिशुपाल से कराना था, तो क्योंकि उसका फ्रेंड था शिशुपाल। तो रुक्मणी ने कहा कि मैं तो शादी नहीं करना चाहती। उसने कृष्णा को लेटर लिखा, उसने बोला कृष्णा को आप मुझे किडनैप कर लीजिए। तो कृष्ण भगवान किडनैप करने आ गए, अकेले आए। वहां पे बलराम जी को पता लगा कि कृष्ण अकेले चले गए, और क्योंकि रुक्मणी का स्वयंवर होने वाला था वहां, तो इसलिए करोड़ों राजा आए हुए थे वहां पर अपने करोड़ों करोड़ों सैनिक लेके, और उनको पता लग जाता कि कृष्ण भगवान आएंगे, तो उनको मारने के लिए उन्होंने पहले ही सारी सेना तैयार रखी थी। बलराम जी को पता लगा कृष्ण अकेले चले गए, तो बलराम जी वहां से अपनी पूरी सेना लेके एकदम से भगवान की रक्षा करने के लिए गए। बलराम जी के माइंड में केवल एक ही चीज चलती है कि कृष्ण की रक्षा कैसे हो। बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उनकी रक्षा करके। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो एक्चुअली वो समझने वाली बात है, वो भी आ जाएगा कि उनका फंक्शन क्या है, वो मैं उसमें बताऊंगा। मगर ये ध्यान देख लो, लीला में बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उनकी रक्षा करके, उनका काम ये, और वो सबसे उत्तम सेवा है। भगवान की सेवा करना एक सेवा है, भगवान को अपने आप को अर्पण कर देना एक सेवा है, मगर उससे ऊपर सेवा है भगवान की रक्षा करना। वो बलराम जी हमें सिखा रहे हैं। वो मैं इस पर बात करूंगा अभी थोड़ी टाइम पे, बट बलराम जी इस तरह से लीला में भगवान की सेवा करते हैं, रक्षा के। बलराम जी एक्चुअली खुद भगवान ही है। बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण सबसे पहले, हमने पढ़ा सृष्टि के आदि में क्या था, एको भव श्याम, कृष्ण अकेले थे। सबसे पहला विस्तार कौन सा है कृष्ण का? बलराम, सबसे पहला विस्तार। इनफैक्ट बाकी जितने भी अवतार हैं, जितने भी रूप हैं, सब बलराम जी से आए हैं। कृष्णा बलराम जी में विस्तार करते हैं और बाकी सारे रूप बलराम जी से आए हैं। तो सबसे पहले कृष्णा विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और फिर उसके बाद बलराम जी विस्तार करते हैं संकर्षण के रूप में वैकुंठ में, और संकर्षण फिर विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में और अनंत शेष के रूप में। और फिर आपको पता है जितने भी अवतार हुए इस संसार में, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वो सारे कहां से आ रहे हैं? विष्णु से आ रहे हैं। विष्णु कहां से आ रहे हैं? बलराम जी से, कृष्ण से नहीं आ रहे। इसलिए सारे अवतारों का उद्गम क्या है? बलराम जी। इनफैक्ट शीला प्रभुपाद गीता में ये भी लिख रहे हैं, 10th chapter में वो आता है, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। भगवान कह रहे हैं सारे वृष्णियों में मैं कौन हूं? वासुदेव। तो अब पॉइंट यह है कि भगवान जो भी वृंदावन में जो नंद बाबा और यशोदा माँ है, तो उन लोगों को बोलते हैं यदु, यादव, और जो द्वारकावासी उनको बोलते हैं वृष्णिवंश। तो द्वारका में क्या कह रहे हैं कृष्णा? मैं वासुदेव हूं, मतलब मैं वासुदेव। तो वासुदेव कौन है? शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं वासुदेव कौन है यहाँ पे? वासुदेव बलराम है। शीला प्रभुपाद एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं कि एक्चुअली कृष्णा कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं, कभी नहीं जाते। न पदम एकम, क्या कहते हैं, न पदम एकम परित्यजति, कैसे है? तो एक भी कदम मैं वृंदावन से बाहर नहीं रखता। तो क्वेश्चन है कि जब भगवान द्वारका गए, मथुरा गए, तो कौन गया? कृष्णा तो छोड़ के नहीं आते वृंदावन। तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा में जो विष्णु थे वो छोड़ के गए थे, कृष्णा छोड़ के नहीं जाते। जब कृष्णा धराधाम में आते हैं तो विष्णु, राम, सारे अवतार भगवान कृष्ण में मिल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण से विष्णु का अंश एक निकला और विष्णु गए कृष्ण का रूप लेके द्वारका, मथुरा। तो द्वारका में एक्चुअली कृष्णा है नहीं, द्वारका में विष्णु है जिन्होंने कृष्ण का रूप लिया है। और इनफैक्ट वो विष्णु कौन है? विष्णु कहां से आते हैं?
बलराम जी से। तो एक्चुअली द्वारका कृष्ण बलराम जी है, कृष्ण है ही नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमें लगता है वो कृष्ण है, एक्चुअली कृष्ण नहीं है वो। इसलिए भगवान कह रहे हैं वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, सारे वृष्णियों में मैं बलराम हूं। तो द्वारका कृष्ण मथुरा कृष्ण वो बलराम जी हैं। सो आप ये कह लो कि बलराम जी से कृष्ण आते हैं और कृष्ण से बलराम आते हैं, दोनों ही ठीक है अगर रियली में, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। इसलिए कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो इसलिए कुछ कुछ शास्त्र कह रहे हैं बलराम जी से कृष्ण आते हैं, ठीक है, क्योंकि कौन से कृष्ण आते हैं बलराम जी से, द्वारका कृष्ण और मथुरा कृष्ण। और जब आप कहोगे कृष्ण से बलराम आते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वृंदावन कृष्ण से बलराम जी आ रहे हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी भगवान की लीलाएं हैं, बलराम जी लीला में इस तरह बिहेव करते हैं। तो जितने भी अवतार हैं वो सब बलराम जी का सोर्स है। आप देख रहे हो सारे अवतारे के द्वारा क्या करते हैं बलराम जी, अवतारों के द्वारा बलराम जी इस पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं, नहीं? मतलब भगवान के अवतार क्यों होते हैं, ज्ञान बांटने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारा फंक्शन बलराम का, वो मैं बात करूंगा बलराम जी का फंक्शन क्या है। सो ये बलराम जी लीला में, ये लीला की दृष्टि से बलराम जी है। और वेल शीला प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण और बलराम में एक ही फर्क है रंग का, बलराम जी सफेद हैं और कृष्णा श्याम है। वैसे ये तो ऐसा कहा जाता है कि जब बारिश होने से पहले कृष्णा होते हैं और बारिश होने के बाद बलराम, बारिश होने से पहले बादल क्या होते हैं, काले होते हैं ना, तो वो कृष्ण का रंग है, और बारिश होने के बाद बादल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तो बलराम जी घोसलाए। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप वृंदावन जाओगे ना तो वैसे तो बलराम जी बड़े भाई हैं, मगर वृंदावन में आप देखो जो मूर्ति है यही तो है, वृंदावन में कृष्णा बलराम। तो आप देख रहे हो कृष्ण बलराम जी ने हाथ रखा हुआ है बलराम भगवान के शोल्डर पे। तो प्रभुपाद ने पूछा कि बलराम जी ने हाथ क्यों रखा है, तो सब डिवोटीज ने कहा क्योंकि बड़े भाई हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हाथ इसलिए रखा है क्योंकि बिना कृष्ण का सपोर्ट लिए वो गिर जाएंगे। बिना भगवान कृष्ण का सपोर्ट बलराम जी का इसलिए सपोर्ट लिया हुआ है। तो चाहे बड़े भाई हो चाहे कुछ भी हो, बिना भगवान कृष्ण के कोई भी सस्टेन नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है, सबका आधार है। तो लीला दृष्टि से, रस की दृष्टि से बलराम जी कौन है। अब रस की दृष्टि से कृष्णा कौन है, कृष्णा है अखिल रसमृता सिंधु, रसिक शेखर है। कृष्ण का भगवान का एक ही काम है बस एंजॉय करना। कृष्ण भगवान सृष्टि नहीं करते, ना ही वो इंटरेस्टेड है सृष्टि करने में। कृष्ण भगवान जो है इस भौतिक संसार में इंटरेस्टेड नहीं है, इस संसार की किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। भगवान का तो केवल, कृष्ण भगवान का केवल एक ही इंटरेस्ट है, अपने भक्तों से प्रेम, बस। इस तभी प्रेम अवतार कहते हैं कृष्ण को भी, द गॉड ऑफ लव। तो इसलिए भगवान सृष्टि करने का डिपार्टमेंट किसको देते हैं, बलराम जी को देते हैं। भाई तुम सोचो सृष्टि कैसे करनी है, सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है सब मैनेज तुम करो, समझे। तो बलराम जी कहते हैं भाई मैं पूरी सृष्टि मैनेजमेंट करूंगा तो मेरा भी मन नहीं है, मेरा तो मन है आपकी सेवा करना, वृंदावन में आपके साथ खेलना। तो इसलिए बलराम जी अपने आप को विष्णु के रूप में एक्सपेंड करते हैं, विष्णु महाविष्णु गर्भोदक से विष्णु सर्वोदक शिरोदक से विष्णु, और उस रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, समझे। और फिर विष्णु भी ब्रह्मा जी शिव जी के रूप में वो प्रकट करते हैं, तो उनसे सृष्टि स्थिति कुल इस तरह चलती रहती है। इसलिए करोड़ों शिव है, करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, मगर कृष्णा एक है और बलराम एक है। सो इसलिए कृष्णा जो है, अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, अभी मैं आ जाऊंगा इस पॉइंट पे, पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो रस की दृष्टि से कृष्णा केवल प्रेम का रस आस्वादन करते हैं और प्रेम का रस देते हैं, बस उनको इतना आता है। इसलिए अगर आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करोगे ना कुछ कि भगवान मेरे को प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए, तो आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी, एक्चुअली कृष्ण तक पहुंचेगी भी नहीं। वो पहुंचेगी भी तो भगवान पूरे इंटरेस्टेड है, क्योंकि कृष्ण भगवान इस संसार की न्यूज सुनना
नहीं चाहते भाई, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस संसार में जो भी कुछ होता रहे उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, उनको न्यूज देनी है तो कौन सी न्यूज देनी है? स्पिरिचुअल न्यूज दो कि आपके भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं, तब उनको खुश है। तो ना राधा रानी ना कृष्णा वो मेटेरियल न्यूज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसलिए आप जो भी प्रार्थना करते हो ना राधा कृष्ण से, वो राधा कृष्ण तक पहुंचती नहीं। पहली बात, पहुंचती नहीं, पहुंचेगी भी तो वो सुनेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। अगर आप किसी को बोर करोगे तो क्या होगा? तो उसको गुस्सा आएगा, समझे? तो प्रॉब्लम ये है। तो आप तो भगवान से प्रार्थना करके गए कि भगवान प्लीज मैं तो बहुत, मेरे को प्रॉब्लम है मेरा, फॉर एग्जांपल मुझे शुद्ध कर दीजिए, मैं परेशान हो रहा हूँ। एक्चुअली जितनी प्रार्थना करोगे उतना ही भगवान बोर होंगे, और बोर होंगे और क्या भगवान को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, कृपा नहीं देंगे वो। तो क्या करें फिर? प्रार्थना नहीं करें? क्वेश्चन ही है। अब प्रार्थना नहीं करें तो किससे नहीं करें, तो किससे करें प्रार्थना? हेल्प कौन करेगा? इसलिए कृष्ण भगवान ने सिस्टम में बना रखा है कि अगर कोई मुझसे प्रार्थना करे और कोई राधा रानी किसी से प्रार्थना करे, तो वो प्रेयर्स आपकी, क्या वो होता है ना, फॉरवर्ड कॉल नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता कॉल में, फॉरवर्ड हो जाती है। तो प्रार्थना आपकी फॉरवर्ड हो जाती है, कहां पर से पहुंच जाती है? बलराम जी के पास पहुंच जाती है। तो वो प्रार्थना डायरेक्ट कर देते हैं, बलराम जी आप जो कोई भी मुझसे प्रार्थना कर रहा है, राधा से प्रार्थना कर रहा है, वो आप सुनेंगे और आप उसके पूरी करेंगे। तो आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है बलराम जी हमारे लिए, क्योंकि आप, क्योंकि अभी इस अवस्था में राधा कृष्ण से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि जब तक आप अशुद्ध हो, जब तक हमारे हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जब तक हमें, जब तक हम इस शरीर, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इस शरीर से आ सकते हैं, तब तक हमारी प्रार्थना, हमारी आवाज भगवान तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मुझे बताओ, जब आप हरे कृष्णा जप कर रहे हो तो कौन सुन रहा है? तो ना राधा सुन रही है ना कृष्णा सुन रहे, कौन सुन रहे? टेक्निकली बलराम जी सुन रहे, और बलराम जी कृपा दे रहे हैं, राधा सुन रहे हैं ना कृष्णा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में कृष्णा बलराम रखे, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर देना और आपको भक्ति में आगे बढ़ाने का काम बलराम जी का, वो मैं फंक्शन पे आ जाऊंगा, बट बलराम जी का ये काम है। तो लीला में क्या है, लीला में बलराम जी क्या करते हैं, भगवान की लीला में कृष्ण तो रस आस्वादन करना चाहते हैं, बलराम जी सोचते हैं कि मैं कृष्ण को रस दूं। बलराम जी भगवान खुद ही हैं मगर सेवक की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं, बलराम जी को भगवान सेवक कहते हैं, भगवान ही मगर सेवक के रूप में। तो बलराम जी भगवान का रस बढ़ाते हैं भाई, जब जब कृष्णा रस के सागर है, रसो वही सह, एक स्वामी को अगर मजे करना है तो सेवक का काम क्या होना चाहिए? अपने स्वामी का मजा बढ़ाना है और क्या करना है, यही करना चाहिए ना। तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं पांच रसों में, पांच ही रस हैं, प्रधान रस हैं संसार में जो कृष्ण आस्वादन करते हैं, माधुर्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, शांत रस, उन सब रसों में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। जैसे माधुर्य रस में, मतलब माधुर्य रस क्या होता है, माधुर्य रस मतलब कृष्ण और राधा जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो बलराम जी तो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के सामने कृष्णा राधा के साथ लीलाएं नहीं करते हैं, नहीं बड़े भाई के सामने थोड़े ना करेंगे। सो बलराम जी दूर रहते हैं, जब राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं तो बलराम जी वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, एट द सेम टाइम बलराम जी वहां पे है भी, किस रूप में? अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, एक गोपी के रूप में अनंग मंजरी, और उस रूप में माधुर्य रस में सेवा करते हैं। और वात्सल्य भाव में बलराम जी भगवान के पेरेंट्स के रूप में सेवा करते हैं, मैंने बताया रक्षा करके। साख्य भाव में बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं सखा की तरह, और दास्य भाव में बलराम जी कभी कभी कृष्ण को पंखा करते हैं और अपने गोदी में सुला लेते हैं, है नहीं, दास्य भाव में। और शांत रस में बलराम जी भगवान की सेवा कैसे करते हैं, भगवान की, कृष्ण भगवान की चप्पल बन के, बेड बन के, कृष्ण भगवान के जो कपड़े हैं सब बलराम जी हैं, सब बलराम जी हैं। सो आप देख रहे हो बिना बलराम जी के तो कृष्ण भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते,
भगवान का रूप ही कृष्ण है, बलराम जी हैं, कृष्ण का रूप, क्या करोगे आप? सो बलराम जी इस तरह से पांचों रस में सेवा करते हैं भगवान की। और दूसरी तरफ बलराम जी की सेवा थोड़ी अजीब भी है, क्योंकि बलराम जी की जिस तरह सेवा करते हैं आप समझ नहीं पाओगे। कृष्ण लीला में बलराम जी की सेवा बहुत अजीब सी थी। कृष्ण लीला में बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने दुर्योधन को गदा सिखाई, दुर्योधन के गुरु बने। अब क्वेश्चन है कि दुर्योधन को क्यों सिखानी थी, है नहीं, वो पागल, उसको तो मारना है। और बलराम जी ने यह भी कोशिश की कि सुभद्रा की शादी किससे हो, दुर्योधन से, वो भी गड़बड़ है। तो बलराम जी ऐसा कर क्यों रहे, अजीब अजीब चीजें। क्या बलराम को नहीं पता क्या दुर्योधन गंदा आदमी है? दुर्योधन कली का अवतार है, अपनी बहन की शादी कली के अवतार से थोड़ा ना करा देंगे, वो भी सुभद्रा। तो बलराम जी ने ऐसा क्यों किया? बलराम जी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध किया हुआ था उसमें बलराम जी थे नहीं? तो बलराम जी का मैं लड़मड़ नहीं रहा, अजीब सा बिहेवियर है। तो ऐसा क्यों करते हैं बलराम जी? बलराम जी की सेवा अजीब से, बलराम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन नष्ट हो। और दुर्योधन एक बहुत ही गंदा आदमी तो था, मगर कायर भी था, तो इसलिए वो सीधा लड़ाई नहीं करता था, पीछे पीछे से षड्यंत्र रचता था। नहीं, लाक्षाग्रह और भीम को फिर जहर खिला के नीचे फेंक दिया था बचपन में, पता है ना आपको? तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता था, तो वो सीधा युद्ध में आता ही नहीं कभी। और अपने जितने भी उसके गंदे दोस्त हैं उनको भी नहीं आता युद्ध में। तो बलराम जी ने कहा इसको युद्ध में लाना जरूरी है, और इसके साथ साथ सारे गंदे दोस्त भी आने चाहिए युद्ध में, तभी इसका वध होगा और धर्म की स्थापना होगी। कृष्ण भगवान की इच्छा है कि धर्म संस्थापनार्थाय, क्या है वो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, भगवान ने बोला है। तो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा जब बलराम जी में साहस, जब दुर्योधन में साहस आएगा लड़ने का। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी खुद ही दुर्योधन के क्या बन गए, गुरु बन गए। और बलराम ने और दुर्योधन ने बहुत कुछ सीख लिया। दुर्योधन को अहंकार बढ़ गया उसका कि मैं तो सबको मार दूंगा, मैं तो भीम को भी उठा के मार दूंगा। दुर्योधन और बलराम जी ने खुद ने कहा कि सुभद्रा की शादी बलराम दुर्योधन से करेंगे। बलराम जी को पता था कि कृष्णा ये होने नहीं देंगे, बलराम जी को पता था, प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि बलराम जी कृष्णा कैसे होने देंगे। तो उससे क्या होगा, जब कृष्णा सुभद्रा की शादी छल से अर्जुन से करा दी थी ना, तो दुर्योधन तो बिल्कुल भून जाएगा, एक तो अहंकारी बन जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो युद्ध करने के लिए आतुर हो ही जाएगा वो कि मैं तो युद्ध करूंगा ही करूंगा। तो जितनी जल्दी युद्ध होगा उतनी जल्दी दुर्योधन का विनाश होगा, उतनी जल्दी सारे गुंदे लोगों का विनाश होगा। तो बलराम जी की सेवा इस संसार में कृष्ण लीला में ऐसी थी कि बलराम जी अपने प्लान से दुर्योधन को और अहंकारी और फ्रस्ट्रेटेड बना रहे थे कि जल्दी जल्दी उसका नाश हो जाए। जैसे नारद मुनि, तो नारद मुनि ने भी आके कंस को क्या बोला कि भाई जो वसुदेव के जो आठ पुत्र हैं उन सबको मार दो, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि पहला पुत्र ही मारेगा तुम्हें, पर पहले आखिरी क्या था, आखिरी पुत्र। अब क्वेश्चन है कि आखिरी पुत्र है कौन सा? तो नारद मुनि ने कहा देखो ये सर्कल बनाओ, सर्कल में आठ वो बनाए डॉट। तो उन्होंने पूछा पहला डॉट कौन सा है, सर्कल में कौन सा पहला है? तो कंस को गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं सारे बच्चे मार दूंगा। तो अब क्वेश्चन है, नारद मुनि ने फालतू में मरवा दिया सबको। तो नारद मुनि भी ऐसे ही है। नारद मुनि ने जानबूझ के ऐसा किया कि कंस का पाप का घड़ा और बढ़ जाए। बलराम जी ने जानबूझ के दुर्योधन का अहंकार बढ़ाया, जानबूझ के सुभद्रा का इंसिडेंस किया कि दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ जाए, अपने मन मन में गाली दे भगवान को कि कृष्ण ने देखो सुभद्रा का ऐसा कर दिया, और गाली दे दे के उसके पाप का घड़ा जल्दी भर जाएगा, अपराधों का घड़ा भर जाएगा और जल्दी से उसको मार देंगे। बलराम जी ये कर रहे थे, बलराम जी की टेक्निक ये थी।
सो बलराम जी इस तरह से बलराम जी के एक्शंस को समझना बहुत मुश्किल है। अभी एक और लीला बताऊंगा। तो बलराम जी का रोल ये है, बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं आध्यात्मिक जगत में पांचों रसों में, और इस संसार में जो सेवा करते हैं वो समझना बहुत मुश्किल है कैसे करते हैं। ओके, तो बलराम जी ये हैं। बलराम जी जैसे कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड कौन है? राधा रानी। लक्ष्मण की शादी नहीं हुई ना राधा से, तो कृष्णवान की प्रेमिका है राधा रानी। ऑफकोर्स मतलब ऑर्डनरी की तरह नहीं चल रहा, भगवान की शक्ति है राधा। उसी तरह बलराम जी की भी अपनी शक्तियां हैं, तो बलराम जी की भी गोपियां हैं, जैसे कृष्ण की गोपियां राधा, बलराम जी की भी गोपी है बलराम। जैसे कृष्णवान की सबसे उच्च टॉप मोस्ट गोपी है राधा, उसी प्रकार बलराम जी की टॉप मोस्ट गोपी है पूर्णानंदी, उनकी पूर्णानंदी नाम है। जब बलराम जी रासलीला, जब बलराम जी को कृष्ण भगवान ने भेजा था, जब कृष्ण भगवान द्वारका में थे तो उन्होंने बलराम जी को वृंदावन भेजा कि भी सारी गोपियों ब्रजवासियों की खबर लेके आओ। तो बलराम जी वृंदावन में, उन्होंने रासलीला की थी, भागवतम में आती है। तो वो रासलीला उन गोपियों की आती कि जो कृष्ण की गोपियां थी, उनकी अपनी पर्सनल गोपियां हैं, अपनी पर्सनल शक्तियां हैं। तो उनकी जो गोपियां हैं वो तो वो सारी गोपियां नागलोक से आई हैं, क्योंकि बलराम जी कौन है? अनंत शेष है। तो सारी नागलोक से जो गोपियां आई हैं, गोपियां सारी, और उनमें एक गोपी पूर्णानंदी, उनके साथ उन्होंने रासलीला की थी। इस तरह से एक्सप्लेनेशन है उसकी। सो बलराम जी लीलाओं में ये सारी चीजें करते हैं। और बलराम जी ही ऐसे व्यक्ति हैं वृंदावन में जिनको पता है कृष्णा भगवान है, बाकी सब भूल जाते हैं। राधा यशोदा सब भूल जाते हैं कृष्णा भगवान है, लीला को संपन्न करने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए। सिर्फ बलराम जी हैं जिनको याद रहता है कि ये भगवान है, और फिर भी वो लीला को संपन्न कर देते हैं। भगवान के फ्रेंड्स याद खेल लेते हैं, फ्रेंड की तरह खेलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मगर वो कॉन्शियस रहते हैं कि कृष्णा भगवान है, उनको पता है अंदर। सो ये बलराम जी है। तो आज के दिन हम बलराम जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बलराम जी, हमें क्या मिलेगा बलराम जी से? क्वेश्चन ये, अब सब ये पूछेंगे हमें क्या फायदा है भाई, सब फायदे की तो बात करते ही हैं, हम क्यों पूजा करें, या बलराम जी से क्या प्रे करें? तो बलराम जी के फंक्शन पता है क्या, बलराम जी क्या करते हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या बलराम जी का, मैंने अभी बताया कि आपकी जितनी प्रार्थना किसके पास आ रही है? बलराम जी के पास। सो बलराम जी आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपका हृदय शुद्ध करते हैं। बलराम जी आपको बल देते हैं भक्ति करने के लिए, कहोगे भगवान प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, तो बलराम जी बल देंगे। किस रूप में बल देते हैं भक्ति करने के लिए? सो बाहरी रूप में और अंदर से। अंदर से किस रूप में देते हैं? उत्साह देकर। जो भी आपको भक्ति में उत्साह आ रहा है वो बलराम जी की कृपा से आ रहा है। राधा कृष्ण कैसे नहीं आ रहा? राधा कृष्ण तो जब आप उत्साह से भक्ति करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तो राधा कृष्ण तो प्रेम देंगे, उससे पहले राधा कृष्ण कुछ नहीं करते। बलराम जी उत्साह दे रहे हैं, बल बल है ना, नया आत्मा बल ही न लभ्य हो न बहु न श्रुते न भा। सो आप किसी भी भक्त को उत्साहित देखो, इसका मतलब है उस पर किसकी कृपा है? बलराम जी। अगर आप किसी भी भक्त को देखो प्रचार कर रहा है उत्साह से, तो इसका मतलब किसकी कृपा है? बलराम जी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि प्रचारकों को बलराम जी की पूजा करनी चाहिए हमेशा, तभी तो प्रभुपाद ने वृंदावन में कृष्णा बलराम एस्टैब्लिश किए हैं। प्रभुपाद ने कहा कि भाई हमारा मूवमेंट प्रचार का मूवमेंट है और हमें उत्साह चाहिए, कृपा चाहिए। तो अगर प्रभुपाद सिर्फ राधा कृष्ण की मूर्ति अर्च विग्रह स्थापित करते तो प्रचार कोई कर ही नहीं पाता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वृंदावन में आओ और कृष्णा बलराम की कृपा दो और जाओ प्रचार करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मधवा संप्रदाय में और शी संप्रदाय में देखो, प्रचार करने में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, आती नहीं आती हैं? आप प्रचार करोगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रचार सत्य से करोगे, अगर सत्य की कसौटी पे प्रचार करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। या झूठ बोल के लोगों का मन बहलाना, पैसे लेना, वो तो चलो कोई भी कर ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सत्य बोलोगे तो लोगों को अच्छा लगता नहीं है कभी कभी, और वैसे भी लोग आजकल गंदे भी हो गए हैं, भगवान का प्रचार रोकने की कोशिश करते हैं, है नहीं, बोलते ही हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रचार में,
उनको डिवोटी को फेस भी करना है और उनको पार भी करना है, यानी निरुत्साहित नहीं होना। तो श्री संप्रदाय मध्वा संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदायों में, वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं कि सारे विघ्न हट जाए। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में स्पेसिफिकली हम लोग बलराम जी की पूजा करते हैं सारे प्रचार में विघ्न हटाने के लिए, उत्साह प्राप्त करने के लिए। अफकोर्स शीला प्रभुपाद ने नरसिंह भगवान की प्रेयर्स या डीटीज भी एस्टैब्लिश की मायापुर में और इस्कॉन में सिस्टम बनाया कि हम नरसिंह आरती गाएं। बट अगर टेक्निकली देखें तो नरसिंह भगवान का अवतार कहाँ से हुआ है? विष्णु से। और विष्णु कहाँ से आए हैं? बलराम। नरसिंह भगवान जो भी शक्ति है वो बलराम जी से आ रही है। व्हाट डू यू डू अबाउट दैट? तो इसलिए टेक्निकली गौड़िया वैष्णव बलराम जी से ही प्रार्थना करते हैं बल प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए बलराम जी का एक काम है, क्या काम है? बल देना। किस रूप में बल देना? उत्साह देकर, उत्साह देते हैं पहला। और दूसरा काम है बलराम जी अपने जो साधक है, साधकों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए। दूसरा काम है बलराम जी हमें बल देते हैं किस रूप में? बाहर के रूप, बाहर से किस रूप में देते हैं? गुरु के रूप में। तो जो गुरु है वो बलराम जी का ही प्रतीक है। बलराम जी को आदि गुरु कहते हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं। बलराम जी सिखा रहे हैं कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बलराम जी सिखा रहे हैं कि कृष्ण को आनंद कैसे देना है। बलराम जी इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए कई अवतार लेते हैं, मत्स्य, कूर्मा, इतने सारे अवतार लिए नहीं लिए बलराम जी ने करवाए धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान का मिशन असिस्ट करने में बलराम जी पूरी हेल्प कर रहे हैं संसार में। सो बलराम जी इसलिए गुरु के रूप में आते हैं गाइड करने। या यूं समझ लो कि गुरु के अंदर जो ज्ञान है और जो उत्साह है वो कौन है? वो बलराम जी। भाई गुरु तो एक साधारण इंसान है, तो भगवान थोड़े ना है। गुरु पूजने क्यों है? क्योंकि ज्ञान देता है। नहीं समझे? नहीं समझे? ज्ञान देता है, नहीं देता है? गाइड करता है, उत्साह देता है। गुरु के अंदर जो ज्ञान है, जो उत्साह है, वो कहां से आए? बलराम जी से। इसलिए गुरु को बलराम जी का एक रूप बोलते हैं। तो बलराम जी गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं बलराम जी। बलराम जी इस संसार में ज्ञान प्रकट करके अब जो साधक है उनको, उनका मन स्ट्रांग करते हैं। ज्ञान से मन दृढ़ होता है, होता है नहीं होता है? मन अपने बुद्धि को बल मिलते हैं, बुद्धि बल होगा तो मन को आप वश में कर सकते हो। तो इसलिए शास्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं। और बलराम जी साधुओं के रूप में प्रकट होते हैं, साधुओं में जो उत्साह होता है वो भी बलराम जी हैं। तो गुरु, शास्त्र, साधु, ये सुना है? हाँ, ये तीनों बलराम जी का ही रूप है। ये बलराम जी ने एक 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 ट्रैप बनाया है इस जीवात्माओं को पकड़ने के लिए। गुरु, शास्त्र और साधु, ट्रायंगल हो गया ना, वो बलराम जी ने बनाया, वो फेंकते हैं और पकड़ के खींच लेते हैं। दैट्स ऑल, इज अ फिशरमैन। सो बलराम जी इस तरह से, उनका एक फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन है बलराम जी का, आपको पता है ये क्या कहते हैं? आपको पता है जब श्रीमद् भागवतम शुरू हुई थी, शुरू में फर्स्ट पहले स्कंद में, तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो भागवत कथा हो रही थी, तो वहां पे 80,000 ऋषि मुनि थे और कथा कौन कर रहे थे? रोमहर्षण ने, एक्चुअली सुता गोस्वामी के फादर। सुता गोस्वामी नहीं, पहले रोमहर्षण कर रहे थे। तो जब बलराम जी आए वहां मीटिंग में, तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, ब्राह्मण बलराम जी को प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए, रोमहर्षण खड़े नहीं हुए क्योंकि वो कथा कर रहे थे, व्यास आसन पे बैठे हुए थे। तो एक रूल है कि अगर कोई कथा कर रहा है, ये व्यासासन है ना, व्यास के प्रतिनिधि है ना कथा, कोई भी आ जाए खड़ा होना जरूरी नहीं है वक्ता को, तो खड़े नहीं हुए। तो बलराम जी ने कहा कि भाई ये इतना बेवकूफ है, ठीक है, अगर कोई भी खड़ा नहीं होता तो वो भी खड़े नहीं होते। सभी खड़े हो गए, उनसे सीनियर लोग खड़े हो गए, ब्राह्मण लोग बैठे थे वहां, ऋषि मुनि, तो उनको भी खड़ा होना बनता था, है नहीं? और दूसरी बात ये है, ये जो रूल है ये सिर्फ ऑर्डिनरी जीवात्मा के लिए, भगवान ही खुद आ गए जिसके लिए कथा हो रही है, जब वही आ गया तो आप क्या बैठे हो वहां?
तो बलराम जी को गुस्सा आया। बलराम जी ने कहा कि ये जो व्यक्ति है 80,000 लोगों को उपदेश दे रहा है और इसको इतनी सिंपल सी धर्म की चीज पता नहीं है, इसको इसका व्यवहार ही इतना बुरा है, इसको धर्म में व्यवहार ही नहीं आता करना। जबकि रोमर्शन जो थे, रोमर्शन ब्राह्मण भी नहीं थे, रोमर्शन के पिता कौन थे, क्षत्रिय, और माँ थी ब्राह्मण। तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माँ से जो बच्चा होता है वो कौन होता है, वो ब्राह्मण नहीं माना जाता, वो क्षत्रिय भी नहीं माना जाता, क्योंकि क्षत्रिय जो पिता है वो ब्राह्मण औरत से शादी नहीं कर सकता, वो क्षत्रिय, क्षत्रिय से शादी कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य से नीचे ऊपर नहीं कर सकता। तो थोड़ा अजीब सा केस था, तो ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, तो उनको बोलते हैं प्रतिलोम, मिक्स्ड ब्रीड है, मिक्स्ड ब्रीड नहीं होते जैसे। तो बलराम जी ने कहा भाई पहली बात तो ना ब्राह्मण है, कितने सारे ब्राह्मण लोग सुन रहे हैं बैठ के नीचे और वो ऊपर बैठे हैं, वो तो चलो सब लोगों ने मिलकर रोमर्शन जी को सिलेक्ट किया था कि ये कथा बोले, क्योंकि रोमर्शन जी किसके डिसाइपल थे, व्यासदेव, तो वो उनमें गुण था और वेद पढ़ रखे थे, पुराण ज्ञानी भी थे। मगर बलराम जी ने कहा ज्ञानी है, इनके गुरु भी महान है, सब कुछ है, मगर इसका व्यवहार जीरो है, इसलिए बद्ध है। इसलिए हो सकता है बलराम जी सिखा रहे हैं एज अ गुरु कि चाहे आपको सारे शास्त्र भी आते हैं, आप पूरे ज्ञानी हो, आपके गुरु साक्षात व्यासदेव ही हैं, मगर अगर व्यवहार नहीं करना आता आपको, तो आपको एक्चुअली वो व्यक्ति पनिशमेंट के योग्य नहीं, वो व्यक्ति किसलिए किसके योग्य है, वध कर देने योग्य। क्यों वो वध करने इसलिए योग्य थे, चलो भाई अगर रोमर्शन जी 2-3 लोगों को बता रहे होते तो चलो पनिशमेंट देके भगा देते, यहां तो 80,000 लोग बैठे हैं। और आपने सुना होगा कि अगर दूध को एक सांप छू ले तो क्या होता है, तो पूरा दूध, वैसे तो दूध अमृत होता है, सांप के मुंह से छू गया तो क्या बन जाएगा, जहर। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक नहीं, जिसको नॉर्मल एटिकेट्स भी नहीं आती, वो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो वो पनिशमेंट के लिए। धर्म स्थापना ही अर्थ आया, धर्म का मतलब ही होता है आचार और व्यवहार, बेसिक्स आने चाहिए। तो बलराम जी बहुत गुस्सा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं बलराम जी ने घास उठाई, घास से गला काट दिया भाई। बलराम जी ने बहुत बड़ी रिस्क ली, इतने सारे ब्राह्मणों के सामने व्यास आसन पे बैठे हैं, वहीं मार दिया उनको, क्योंकि बलराम जी ने कहा धर्म की हानि हो रही है, कृष्ण भगवान का मिशन डूब जाएगा। कृष्ण भगवान धर्म स्थापन करने आए हैं और यहां ये भक्ति 80,000 ब्राह्मणों ऋषियों का दिमाग खराब कर देगा, तो धर्म क्या खाक स्थापित होगा, समझ लो, वो पता नहीं लगता एक्चुअली। अगर कोई व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है, अगर कई लोगों को बहुत कुछ आते, कथा करते नहीं करते हैं, मगर अगर उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका आचार ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति से कथा कभी भी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो आपको इंफॉर्मेशन के साथ अपनी गंदगी भी दे देगा। और वो धर्म की सेंस खत्म हो जाएगी आपको, धर्म की एक सेंस होती है। बलराम जी की कृपा से दूसरी बात क्या है, बलराम जी की कृपा से हमें समझ आता है कि धर्म की सेंस क्या है, बलराम जी कृपा से समझ आते धर्म क्या है, समझे, ये दूसरा फंक्शन है बलराम जी का। अब ये संसार में हम भक्ति करते हैं और धर्म है नहीं, ये भक्ति भी कर रहे हो, संसारी काम भी कर रहे हो, दो ही चीजें हैं ना, संसारी काम तो करना है। अब संसारी काम आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो अपने मन से या धर्म से। मन से करोगे संसारी काम तो फंस जाओगे, धर्म से करना होता है ना, और भक्ति, तो धर्म कौन सिखाएगा, किताबें, 1,000 किताबें पढ़ लो आपको धर्म समझ नहीं आएगा। तो धर्म सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आता, धर्म ज्ञान नहीं है, धर्म विज्ञान है, विजडम है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है धर्म में, कब कौन सा अप्लाई करना है वो बलराम जी की कृपा से समझ आता है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। सो वैसे तो बहुत सारे नियम है, तो सेंस है, एक इंट्यूटिव सेंस है धर्म को समझने की। अच्छाई जो है वो अच्छाई पढ़ के नहीं आती, सिर्फ अच्छाई आती है प्रैक्टिस करके और आशीर्वाद से समझ आती है, सिर्फ पढ़ के, वरना पढ़ते रहो आप, पढ़ते रहोगे तो, सिर्फ पढ़ते रहोगे तो और गंदे बन जाओगे आप, बिना वैष्णव के आशीर्वाद के और बिना प्रैक्टिस किए और अहंकारी बन जाओगे,
और लॉजिक लगा के अपराध में फंस जाओगे आप। तो वो सेंस है एक, तो बलराम जी की कृपा से वो धर्म की सेंस आती है, देख रहे हो आप। तो बलराम जी ने रोम मर्चेंट को मार दिया। वहां भागवतम का पहला स्कंद, पहली स्टोरी है रोम मर्चेंट जी का वध। अब क्यों है? क्योंकि बलराम जी से शुरू हो रही है, बलराम जी आदि गुरु है ना, कृष्ण से शुरू नहीं हो रही भागवतम, बलराम जी से शुरू हो रही है ये सीन। और बलराम जी सिखा रहे हैं कि धर्म क्या है। और फिर उसके बाद ऑफकोर्स जब रोमर्शन जी मर गए तो बलराम जी ने रोमर्शन जी के पुत्र सुता गोस्वामी को ब्लेसिंग्स देकर भागवत बोलने को बिठा दिया, क्योंकि सुता गोस्वामी रोमर्शन से ज्यादा, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों को सब कुछ आता था, मगर सुता गोस्वामी ज्यादा व्यवहारिक, उनको धर्म की सेंस थी उनको, तो उनको बिठाया। उन्होंने कहा रोमर्शन का जितना भी ज्ञान है वो तुम में मैं देता हूं और तुम बोलो कथा कोई। सो इस तरह से बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी हमें धर्म की सेंस देते हैं, समझ गए। तो बलराम जी के दो फंक्शन है साधकों के लिए, हमारे लिए, भक्ति में उत्साह देते हैं। और उत्साह कैसे देते हैं? हृदय में प्रेरणा देकर, और गुरु और शास्त्र और साधु के रूप में गाइड करते हैं। और दूसरा फंक्शन है कि धर्म की हमें सेंस देते हैं, सेंस देते हैं क्या सही है क्या गलत है धर्म में। सेंस कैसे कहेंगे? समझ नहीं है धर्म की सेंस कैसे कहेंगे, किसी को पता है? हाँ, समझ नहीं, समझ से तो बहुत ऊपर बात है। धर्म का अनुभव यूं कह लो, धर्म का अनुभव, क्योंकि सही डिसीजन लेना सही टाइम पे बहुत मुश्किल है। कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचार करना है, वो बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि आप उल्टा उल्टा करोगे अपराध होंगे, एंड दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। सो एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि बिना बलराम के कृपा के, एक आर्टिकल में लिख रहे हैं बिना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बारे में, बिना बलराम के कृपा के आपको कहते हैं रीजन क्या कहते हैं, रीजन क्या होता है? हाँ, तर्क या बुद्धि, बिना बलराम जी कृपा के बुद्धि आपको नरक ले जाएगी सीधा। That's how it goes. और आपको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि वैष्णव को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बिहेव नहीं करना आएगा, वैष्णव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सो इसलिए बलराम जी इंपॉर्टेंट है, नहीं वैष्णव का रहने के लिए भी बलराम जी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? ये तीसरा फंक्शन है। रहोगे कैसे वैष्णव गया था अगर आपको बिहेव नहीं करना आता, बोलना नहीं आता, लड़ाई वड़ाई होती रहेगी, अपराध होंगे, फिर रहोगे कैसे आप? तो बलराम जी क्या है, संधिनी शक्तियां जोड़ के रखते हैं ना, बल देते हैं, तो वैष्णव उसे जोड़ के रखते हैं। वो जो बुद्धि है वैष्णव कम्युनिटी में रहना कैसे है, वो बलराम जी से आती है, तीसरा फंक्शन है। और साधु संघ में रहना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, साधु संघ जहां छूटा आपकी भक्ति गई, आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, कितने बुद्धिमान हो, कितनी माला करते हो, आप गए काम से यहां साधु, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि अगर साधु संघ छूटा तो बहुत विघ्न आ जाएंगे आपकी लाइफ में, इमीडिएटली आ जाएंगे, आप फंस जाओगे अंदर से बाहर से दोनों से। सो बलराम जी इसलिए तीसरा फंक्शन है, बलराम जी सिखाते वैष्णव कम्युनिटी में रहना, साधु संघ कैसे करना है, तो सेंस वो बलराम जी देते हैं, समझ रहे हो? कभी कभी साधु होते हैं इतने सारे और बात भी सही होती है, मगर हम बोलते नहीं, होता नहीं होता है, क्योंकि एटिकेट है, हम नहीं बोलते। सो दैट्स ये अब ये समझना मुश्किल है नहीं, क्योंकि बात सही है मगर आप नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे ना, अब ये इंट्यूटिव सेंस है, धर्म है, धर्म सिखाता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं धर्म में, तो ये सेंस बलराम जी देते हैं। तो तीसरी चीज हो गई, तीसरा फंक्शन। और चौथा फंक्शन है बलराम जी का, कि बलराम जी इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए कई अवतार लेते हैं। मैंने पहले बताया था मत से कूर्मा बराय अवतार कौन ले रहे हैं, बलराम जी ले रहे हैं।
तो युगों युगों में बलराम जी राम और भगवान की सेवा करते हैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर। और पांचवा फंक्शन जो है बलराम जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद पट में लिख रहे हैं कि भगवान के कई अवतार जो होते हैं वो एक कुछ चीज सिखाने आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान का जो ऐश्वर्य है वो भगवान ने अपने परशुराम जी के अवतार में दिखाया, सबको क्षत्रियों को मारकर 21 बार। या भगवान का जो ज्ञान है वो भगवान ने अपने व्यास अवतार में, या कपिल मुनि के अवतार में, या दत्तात्रेय या मत्स्य अवतार, इनसे दिखाया कि भगवान का ज्ञान क्या होता है। और भगवान की जो सुंदरता है वो भगवान ने किस अवतार में दिखाई, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार है, या वामन देव छोटे बच्चे के रूप में, आप डिस्क्रिप्शंस पढ़ो वामन देव की, वामन देव की सुंदरता डिस्क्राइब की हुई है, या बलराम जी प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो बलराम जी सुंदरता के प्रतीक हैं। इस संसार में कुछ भी जिस सुंदर है वो बलराम जी की सुंदरता का 0.00000001% की सुंदरता है। अब वो भी परछाई और सुंदरता की। तो आपको इस संसार में कोई भी चीज सुंदर लग रही है तो उसमें सुंदरता कौन है, बलराम जी है, समझ रहे हो। चीज कोई भी चीज सुंदर लग रही है, कोई भी अगर आपको आइडिया सुंदर लग रहा है तो वो सुंदरता कौन है, बलराम जी। इसलिए बलराम जी के बिना आप ना सोच सकते हो ना देख सकते हो, क्योंकि हम अच्छी चीज तो सोचते हैं, सुंदर चीज तो सोचेंगे, अच्छी चीज सोचेंगे, गंदी चीज तो नहीं सोचेंगे, अच्छी चीजों के साथ ही रहेंगे, गंदी जगह नहीं रहते। जो सुंदरता और अच्छाई है सब में, चीजों में और आइडियाज में, वो बलराम जी हैं। इसलिए बलराम जी के बिना तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। दैट्स हाउ बलराम कितने इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो। इसलिए आज के दिन हम बलराम जी की पूजा करते हैं। भगवान जो सुंदर हमें प्रतीत होते हैं वो बलराम जी हैं, वरना आपको भगवान सुंदर ही नहीं लगेंगे। बलराम जी की कृपा के बिना भगवान को देखोगे समझ ही नहीं आएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं एक मूर्ति लग रही है, ज्यादा सुंदरता सुंदर लग रहे हैं, लग रहे हैं, मगर इतने सुंदर नहीं लग रहे। अगर आपको भगवान सुंदर आपको दिखाई देने चले गए सुंदरता तो बेहोश हो जाओगे आप, बेहोश ही हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप। तो हमें तो नहीं दिखाई दे रही सुंदरता, क्यों, क्योंकि बलराम जी की कृपा नहीं है अभी। तो क्वेश्चन यह कि बलराम जी की कृपा आती किस पे, खत्म कर रहा हूं मैं, क्या फायदा है खत्म करने का, मतलब खत्म कर दूं, मुझे तो बोल रहे हैं कर दो, कर दे, मुझे पता है वो 8 बजे है ना, खत्म हो रहा है। सो मैं क्या कह रहा हूं, मैं भूली गले, बलराम जी कृपा किस पे आती है। अब बलराम जी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, क्योंकि उत्साह भी देंगे, भक्ति में चाहिए हमें, हमें 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 भक्तों के रहने के लिए धर्म की सेंस भी चाहिए, जीवन जीने के लिए हमें धर्म भी पता होना चाहिए, वैष्णव संघ में रहने के लिए सेंस चाहिए हमें, साधु संघ करने के लिए, भगवान की सुंदरता अनुभव करने के लिए बलराम जी चाहिए, चैंटिंग करते वक्त जो प्रार्थनाएं सुनाने के लिए भी बलराम जी चाहिए, वो वाया मीडियम है, तो उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तब उनकी कृपा कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, क्या करें, क्या कहते हैं? एक काम है कि हम आज उनके बर्थडे सेलिब्रेट करके कृपा मिलेगी, नहीं तभी कर रहे हैं तभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो सेलिब्रेट करने से उनकी बर्थडे हम ऑनर कर रहे हैं बलराम जी को, तो उनकी कृपा मिलेगी, एक एक तरीका तो ये है, इसलिए सेलिब्रेट की जाती है। और दूसरा तरीका है बलराम जी कृपा किसको मिलती है, बलराम जी कृपा किसको मिलती है, होमवर्क दे दूं बस, ढूंढ के आना बस, अगले बलराम पूर्णे में पूछूंगा किसको मिलती है बलराम जी कृपा, फिगर आउट करना, क्योंकि बलराम जी किसको कृपा देंगे, सबको तो नहीं दे बांटते फिरेंगे, जो अधिकारी होगा उसको कृपा देते हैं, तो किसको देते हैं, बता दूं या छोड़ दूं, बता दूं एक इंग्लिश में कहावत है, क्या है वो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बलराम जी कृपा उसको देते हैं जो खुद से अपनी मदद करना चाहता है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहेगा, जो साधुओं के साथ रहना चाहता है,
जो भगवान की सुंदरता को अनुभव करना चाहता है उसको कृपा दे देंगे। ठीक है, तुम चाहते हो ना, ओके आई विल हेल्प यू। वो डिजायर होनी चाहिए, वो मेन फैक्टर है कृपा प्राप्त करने का, वो इच्छा होनी चाहिए। जितनी इच्छा है उतनी बलराम जी कृपा आ जाएगी आप पे। अब वो इच्छा बहुत मुश्किल से आती है नहीं, भक्ति में आगे बढ़ने की वो इच्छा नहीं आएगी। तो वो इच्छा प्राप्त करने के लिए आपको नियम पालन करने पड़ेंगे भक्ति की, है नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो भक्ति के नियम फॉलो करता है उस पर बलराम जी की कृपा आती है। तो भक्ति के नियम है नहीं, चैंटिंग 16 राउंड्स जो भी है, मंगल आरती जो भी, वॉट एवर, सारे नियम है, चार नियम है, वो आप जितने अच्छी तरह नियम फॉलो करोगे उतनी ही ज्यादा बलराम जी की कृपा आएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा इच्छा उत्पन्न होगी। जितनी इच्छा उत्पन्न होगी उतनी बलराम जी की कृपा आ जाएगी, दैट्स ऑल। और वो आपको ऊपर बढ़ा देंगे, ऊपर उठा देंगे। सो इस तरह से हम आज के दिन प्रे कर सकते हैं बलराम जी से, आप प्रे कर सकते हो। क्या प्रे करोगे? कि हमें उत्साह दें, बलराम जी का पता लग गया ना क्या करते हैं, हमें उत्साह दें, हमें सिखाएं धर्म क्या है, हमें कृपा करके सिखाएं कि साधुओं के साथ कैसे रहना है, हम ऊट पटांग नहीं करते रहे काम, और हमें भगवान की सुंदरता का अनुभव कराएं बलराम जी। तो ये आप प्रे कर सकते हो बलराम जी से, वो पहले ही हेल्प करने को तैयार है। आप प्रे करोगे तो स्पेशली जो कर रहे हैं तो कहेंगे चलो गुड, दैट्स ओके। तुम्हारी सारी प्रेयर जो कर रहे हो वो डिपार्टमेंट मेरा ही है, तो ठीक है मैं फुलफिल कर देता हूँ, दैट्स ऑल। मेरे डिपार्टमेंट के बाहर तो कुछ नहीं मान रहे, मेरे डिपार्टमेंट है, दैट्स ऑल। सो लाइक दैट, सो आज बलराम पुणे में, तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चैंटिंग कर सकते हो आज के दिन, बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हो। जो भी चैंटिंग करोगे आप, वो किसके पास पहुँच रही है? बलराम जी के पास, दैट्स ऑल बॉस। सो ओके, सो बलराम जी की जय, कृष्णा बलराम की जय। सो हम लोग अभी सब लोग